हिमाचल प्रदेश में पहली बार अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिलासपुर के लुहनू क्रिकेट मैदान में ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें 44 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 20 खिलाड़ी चयनित किए गए। बिलासपुर जिला की टीम का पहला मैच गुम्मा से 20 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। वहीं इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच 5 मई को बिलासपुर के ऐतिहासिक लुहनू क्रिकेट मैदान में होगा। जानकारी देते हुए बिलासपुर क्रिकेट संघ के सचिव विशाल जगोता ने बताया कि वीरवार को महेंद्र चंदील व आर के रघु चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्षता में ट्रायल आयोजित किए गए। वहीं उन्होंने बताया कि इस ट्रायल प्रक्रिया में छोटे खिलाड़ियों का काफी उत्साह देखा गया। पहली बार हिमाचल में अंडर 14 प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इससे पहले अंडर 16 से यह प्रतियोगिताएं होती थी। बड़े हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने जो इस बार से अंडर 14 टूर्नामेंट करवाने की शुरुआत की है, उस पहल का जिला क्रिकेट संघ और सभी क्रिकेट से संबंधित लोग जिला के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और अरुण धूमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अंडर 14 का ये टूर्नामेंट शुरू किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर बच्चा 10 साल की उम्र में हमारे पास खेलने आता है तो हमारा पहला टूर्नामेंट अंडर 16 होता था, उसमें 5 साल तक, क्योंकि आजकल कंपटीशन लेवल बड़ा ऊपर है, 5 साल तक कोई भी पेरेंट्स भी वेट नहीं कर पाते थे कि बच्चे कहाँ, अगर 1-2 साल में बच्चे प्लेटफॉर्म पे जाकर खेलते नहीं थे तो पेरेंट्स में इंपेशेंस आ जाती थी। अब क्या होगा कि अगर 10 साल का बच्चा है तो 12 साल तक कम से कम वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट हिमाचल को रिप्रेजेंट कर लेगा। तो एक तो हम नई पौध को शुरू से ही पकड़ लेंगे 10 साल से और उनको कॉम्पिटिटिवनेस की आदत डाल देंगे जब तक वो अंडर 16 लेवल पे आएगा। तो एक बहुत अच्छा निर्णय है। कोविड के बाद अंडर 14 से शुरुआत करना अपने आप में एक दूरदर्शी सोच का परिणाम है। हमारे यहां पर आज 44 बच्चे आए, ये संख्या वैसे तो कम है परंतु मुझे लगता है कि अब जैसे कोविड हटेगा तो अगले साल को ये संख्या 100 तक भी जाएगी। हमने इसमें 20 बच्चे आज सिलेक्ट करने हैं। अभी हमारी जो सिलेक्शन पैनल में कन्वीनर संजय आर के रघु जी हैं, आशीष कपिल जी सिलेक्टर हैं, जितेंद्र जी सिलेक्टर हैं और महेंद्र चंदेल जी चेयरमैन हैं। वो देखते हैं क्या टीम देते हैं। बिलासपुर अपना पहला मैच गुम्मा में खेलेगा, सिरमौर के साथ अगला मैच कुल्लू के साथ खेलेगा और बड़ी अच्छी बात यह है कि इनको भी 2-डे मैच खेलने को मिल रहा है। 2 दिवसीय मैच होंगे तो बिलासपुर में फाइनल होगा इसका। मुझे लगता है कि अब देखते हैं बिलासपुर की टीम क्या करती है। सिलेक्टर्स ने अपनी तरफ से यहां पर आज, और सभी बच्चों का धन्यवाद, पेरेंट्स का भी धन्यवाद जिन्होंने इतनी गर्मी में आकर इस ट्रायल को सक्सेसफुल बनाया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।